जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों वैसे तो आप सभी खुश हो रहे होंगे, और क्योंकि खुशी वाली बात है, आप सभी को पता है कि कल जो ज्वाइनिंग लेटर का वो फोटो आया था, वो मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या सर ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ पहले ही, कि मैं इससे पहला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि आपके जो ग्रुप सेंटर है, जितने भी ग्रुप सेंटर है उनको ज्वाइनिंग लेटर आवंटित कर दिए गए हैं, वो अपनी डेट से ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अलग अलग ग्रुप सेंटर अपनी जिस हिसाब से उनकी व्यवस्था है, जिस हिसाब से उनकी मतलब चाहे CRPF, BSF, ITP या जिनके कैंप में जिस प्रकार की सुविधा है, जिस दिन से उनकी मतलब ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हाँ भाई इस डेट को हम कर सकते हैं व्यवस्था, उस हिसाब से वो आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर देंगे। इसीलिए ज्वाइनिंग लेटर में 5-10 दिन का फ़र्क रहता है। और कल जो ज्वाइनिंग लेटर आया, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्वाइनिंग लेटर जो आप कल फोटो भेज रहे हो, आप सभी को पता है वायरल हो रही है, उसमें डेट नहीं लिखी हुई है और वो ITBP का आप सभी को पता है। तो उसके मेरे से मतलब काफ़ी मैसेज आए हैं कल भी, क्या सर ये सही है। तो दोस्तों ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, उसमें भी ज्वाइनिंग की जो डेट दी गई है, आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करने की डेट फरवरी की है, वो मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि फरवरी महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और वो शायद वो फोटो आपको ली है, उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं, शायद फोटो वो इशू भी हो चुके हैं सभी सेक्टरों से, तो आपके पास में 2-4 दिन के अंदर अंदर वो आ भी जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर, ये बात पक्की है। लेकिन एक नई मुसीबत भी है इसके साथ में, उस मुसीबत की भी बात करेंगे हम, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे आए हैं जो इससे पिछले जो ज्वाइनिंग लेटर आए हैं उनमें वो पॉइंट नहीं आए हैं दोस्तों, तो उन पॉइंटों पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो ज्वाइनिंग लेटर का फोटो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर का ही फोटो है। और वो ज्वाइनिंग लेटर इशू होने की डेट भी है मार्च में आपकी ज्वाइनिंग, मैं भी शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मार्च में आपकी ज्वाइनिंग है। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्च में आपकी ज्वाइनिंग है, अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग है शुरू है। दोस्तों उससे पहले भी एक CISF का जो नोटिस आया था उसमें भी लिखा हुआ था कि आपकी 26 अप्रैल के आसपास ट्रेनिंग शुरू होगी, तो उस नोटिस के लिए भी मैंने बोलता हूँ बिल्कुल सही नोटिस है, क्योंकि वो अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग होनी है। अगर मार्च में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके एक महीने बाद में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जानी है। इसीलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जो ज्वाइनिंग लेटर अभी आया है, ये ज्वाइनिंग लेटर की जो फोटो है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, केवल ज्वाइनिंग लेटर की जो फोटो आई है काफ़ी वायरल हो रहा कल से, तो वो बात बिल्कुल सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो ITBP के किसी न किसी ग्रुप सेंटर से फोटो ली हुई है, वो ग्रुप सेंटर में अगर किसी का मिलने वाला है उससे वो फोटो ली गई है। वैसे ऐसे करना बहुत गलत है ये, और ये फ़ोटो इस प्रकार से लीक करना गलत है। लेकिन आजकल क्या है कि कोई ना कोई आपके जैसे अगर उनका छोटा भाई है तो वो बोल देता है कि अगर है तो बता दीजिए, तो इस प्रकार से फ़ोटो लीक कर दी गई है। बाकी है तो वो गलत ही, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट्स बाहर इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी वो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, उसमें कुछ खास ऐसी बात है नहीं, तो वायरल हो रहा है तो वो बिल्कुल सही है। आपका ज्वाइनिंग लेटर वैसे भी 5-6 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। अब इसमें जो एक नई मुसीबत जुड़ी है उसका क्या है, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, एक नहीं 2 या 3 पॉइंट है, वो कुछ ऐसे हैं जो इसी बार आए हैं। इससे पहले वाले जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर मैंने आपको पढ़ के बताया था कि मेरे ज्वाइनिंग लेटर में वो पॉइंट कहीं नहीं है उससे, तो इस बार एक तो आपके डॉक्यूमेंट्स के जो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसमें लिखा गया है तो डॉक्यूमेंट्स में वही है, कुछ अलग नहीं है। वो चरित्र प्रमाण पत्र आपका 10th क्लास का, या जो आपने कर रखा हो डिप्लोमा, 10th क्लास की मार्कशीट से आप लग रहे हो तो 10th क्लास जन्म प्रमाण पत्र, यानी 10th क्लास की मार्कशीट हो, या अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र हो, डोमिसियल सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट के अलावा चरित्र प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, और माता पिता की उसमें भी कोई ID का जिक्र नहीं हुआ, ना माता पिता की कोई ID लगती है, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ। और उनके अगर नाम में मिस्टेक है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनके नाम की मिस्टेक की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो इसलिए उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट विशेष रूप से, एक जो पहला पॉइंट बता रहा हूँ वो इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कलर विज़न, अगर वहाँ पर कलर विज़न का टेस्ट होता है, कलर विज़न पाया गया तो उसको वापस निष्कासित कर दिया जाएगा। या ITBP का जो आया ज्वाइनिंग लेटर की जो फोटो है उसमें भी लिखा हुआ, आपको साफ साफ देखना, अच्छे से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ। अगर आपको नहीं मिला अभी तक तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में मैं उसका वो जितने भी फ़ोटो है वो शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है। तो उसमें लिखा हुआ पहला कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कलर विज़न पाया गया तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि विद्यार्थी का जिस डेट को, यानी जिस कैंडिडेट का जिस डेट को मेडिकल हुआ उससे अगर 12 महीने ऊपर हो गए तो उसका वापस मेडिकल हो सकता है, और होने पर अगर वो मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये एक मुसीबत तो है, लेकिन हमेशा आपको पता है कि मुसीबत नहीं, मैं उसका निदान भी बताता हूँ आपको। तो एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि होगा क्या कि मेडिकल तो होगा आपका, मैंने बोला था, लेकिन उनका ये नहीं कि सभी का, अगर किसी का मैंने बोला कि अगर कोई मेडिकली अनफिट पाया जा रहा है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका होगा, तो इससे ज़्यादा इस घबराने की बात नहीं है। कलर विज़न तो आप में से किसी के है ही नहीं, क्योंकि जिसको कलर विज़न है
वो मेडिकल फिट हो ही नहीं सकता, इसमें शक ही नहीं। आप मेडिकल में अनफिट हो जाते अगर आपको कलर विजन होता, तो कलर विजन तो आपको है नहीं, पहली बात तो यहीं ख़त्म हो जाती। दूसरी बात है कि जिसके 12 महीने हो गए उसको मेडिकल वापस होगा, तो मैंने बोला कि मेडिकल जो पहले हुआ था उस प्रकार से नहीं होगा। मुख्य रूप से जो मेडिकल होगा, मेडिकल हो सकता है वो एक राय है और निर्देश, मतलब एक राय है कि भाई हो सकता है, ये 100% नहीं है कि आपका मेडिकल होगा, पूरा मेडिकल होगा, तो उसमें पूरा कुछ मेडिकल नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि आप सभी के जो कमेंट अभी नीचे बढ़ जाएंगे, मुझे पता है कि सर क्या क्या होगा मेडिकल में, क्या क्या चेक होगा, तो वो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ चेक नहीं होगा। उसमें लिखा हुआ है और उसके रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें लिखी हुई रहती है उसमें ये है कि आपका किसी कंडीशन में अगर मान लो आपको उनको लगता है कि ये भाई अनफिट है, इसकी कुछ फ्रैक्चर हो सकता है, तो प्रॉब्लम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अब हमारी आई 6x6 है या नहीं है ये हमको पता नहीं है, आई इसका कुछ पता ही नहीं है अब मान को, या अभी मेरे को कुछ चोट चाट लग गई, तो उस स्थिति में आपको मेडिकल अनफिट नहीं होंगे। तो दूसरा जो इसका पॉइंट था वो ये था। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंटों में कलर विजन वाला पॉइंट तो बिल्कुल खारिज है, क्योंकि कलर विजन अगर किसी को है तो वो तो फिट हो ही नहीं सकता। दूसरा जो पॉइंट है कि आपका मेडिकल हो सकता है जिनका 12 महीने हो गए, यानी रीमेडिकल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका मेडिकल नहीं होगा, उनका मेडिकल नहीं होगा क्योंकि उनका रीमेडिकल अभी हुआ, उनको 12 महीने नहीं हुए। लेकिन जिनका मेडिकल पहले हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो ये इस फोर्स का नहीं, सभी फोर्स का नियम है। एयरफोर्स में, नेवी, कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ तो 6 महीने का ही टाइम होता है, 6 महीने बाद में अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो मेडिकल होता है। तो हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी तब भी मैंने बताया था कि 13-14 महीने का समय लग गया था, लेकिन मेडिकल नहीं हुआ था। तो ये नियम जरूर है और होता भी है, तो नॉर्मली सर्जरी तौर पर आपके शरीर को फिजिकली तौर पर देखा जाता है, और कोई अनफिट जैसे अगर किसी को चोट लग रही है या किसी को प्रॉब्लम है तो उसका ही मेडिकल होगा, आप सभी का पूरा मेडिकल नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें लिखा हुआ है निष्कासित कर दिया जाएगा या उसको घर भेज दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब सीधा घर भेज दिया जाएगा। अगर आपके कोई चोट है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको टाइम दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, जैसे नी मेडिकल में मिला वैसे मौका भी दिया जाएगा, सीधा ही आपको रेस्टिगेट या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, 12 महीने से ज्वाइनिंग नहीं कराई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट की गलती है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी उसकी हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग डेट तक आपको मेडिकल फिट रहना ये जरूरी है। तो इस कंडीशन में अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए टाइम दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब घबराने की बात नहीं, अब मेरे को पता आपके कमेंट इधर भी बढ़ जाएंगे और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बढ़ जाएंगे, तो मैं उधर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई अलग सी कोई बात नहीं है। बस ये है कि आपका मेडिकल वापस हो सकता है, तो हो सकता है तो मतलब नॉर्मल मेडिकल होता है, बिल्कुल सामान्य सा मेडिकल होता है, जैसे सर से तौर पर आपको देख लेंगे। और जो मेडिकल अनफिट दिखेगा, होता क्या कि कईयों के जैसे हाथ का प्लास्टर करके जाएगा, कोई हाथ का देख लेना, हाथ के पैर के प्लास्टर करके भी आएंगे, कईयों को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। और जो मेरे दोस्त मेडिकल फिट हुए थे उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट जो दोस्त मेरे मेडिकल फिट है तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट मेडिकल फिट हुए हैं वो कहीं फेल होंगे नहीं, अगर उनके कोई चोट चाट आ गई तो बात अलग है, बाकी वो कहीं फेल होंगे नहीं। क्योंकि उतना टफ अगर मेडिकल भी अगर वापस लेते हैं तो आप सभी सोचिए, इतना ना तो बजट कोई करेगा ऐसा कि आपका वापस पूरा का पूरा मेडिकल ले, उतनी प्रोसेस करे, केवल सरसरी तौर पर आपको चेक किया जाता है, और उतनी प्रकार की पूरी जैसे खून जाँच, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ये सब नहीं होता है। जिसके चोट चाट होगी उसका उसमें लिखा हुआ है यूनिट चिकित्सा अधिकारी, मतलब जो यूनिट में जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी है, वो देख सकता है। तो वो हमेशा ये 101% है, मैं कोई ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा आपको, ना ही ये बता रहा कि आपको झूठी तसल्ली दे रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को झूठी तसल्ली दी नहीं है, चाहे किसी भी बात हो मैंने 100% ठोक के बोली है। तो आपको ये बात भी मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि जो मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मेडिकल फिट है, उनको कोई बाहर नहीं निकालेगा और वो बाहर हो ही नहीं सकते, ये गारंटी मेरी। अगर कलर विजन में किसी का होता तो वो बाहर पहले ही हो जाता, तो कलर विजन आपके है नहीं, बाकी उससे अच्छा आपका और कोई मेडिकल होगा नहीं, बस नॉर्मली तौर पे देखा जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के उसमें एक चीज़ ये होती है कि किसी कैंडिडेट के कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका मेडिकल होता है, और वो कैंडिडेट वहाँ अलग से दिख जाता है तो उसको बुला लिया जाता है, चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसका मेडिकल होता है, उसको लगता है कि ये तैयार हो जाएगा तो उसको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी और उसको समय भी दिया जाता है, ठीक आप यहाँ पर रहकर तैयार करा लो, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ ऐसी बीमारी हो जो वहाँ पर रह के ठीक नहीं हो सकती या कुछ समय लगता है तो उसको ज्वाइनिंग को डिले कर दिया जाता है, उसको एक मौका और दिया जाता है, जितना समय उस बीमारी के लिए लगता है यानी 2 महीने 3 महीने उसको समय भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बार कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए कोई झूठी तसल्ली नहीं है और ना कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस ये है कि उसमें ये साफ साफ पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, वो ज्वाइनिंग लेटर वो सही है, वास्तविक है, आपके फरवरी महीने में मैं पहले ही बता रहा था
अब ये डिपार्टमेंटली है तो मैं इसको कभी अपनी तरफ से आज तक कोई लीक नहीं किया, लेकिन वो गलत है, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो इसलिए मैं अब इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मस्त से रहिए, जो मेडिकल फिट थे वो भी फिट है, रिमेडिकल वाले भी फिट है, किसी को बिल्कुल टेंशन 1% भी लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को चोट चाट है, कुछ लग गई है, तो भी उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, समय दिया जाएगा उसके लिए, ठीक हो जाओगे आप और ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि ज्वाइनिंग के समय कोई रिजेक्ट हुआ। अपनी स्वेच्छा से ज़रूर कोई ज्वाइनिंग नहीं करता, बाकी वहाँ पर जाने के बाद में सभी की ज्वाइनिंग ली जाती है, किसी को भी वापस भेजा नहीं जाता है। ये आज तक का ट्रैक है, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी बैचमेंट से आप पूछ लेना, मेरे या मेरे से पहले वाले से। तो ये मैं अपने नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पता किया है या मैंने खुद ने देखा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।